हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज इज पावर। तो हम रेशनल नंबर्स का प्रॉब्लम्स को अभी सॉल्व कर रहे हैं, तो उसी में आज पेज नंबर 178 और 181 में ट्राई दीज है। दो छोटा छोटा ट्राई दीज है, उसको अभी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है? सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, तो यहाँ पे दिया है फाइंड द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है इसको सिंप्लीफाई करना। जो आप फ्रैक्शंस में पढ़े थे रेशियोज वगैरह में, तो उसी को आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है? तो सबसे जो छोटा वैल्यूज में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आना है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसको अगर 3 में डिवाइड करते हैं, HCF, ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो हम अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, जैसे कि 3 में अगर डिवाइड करते हैं, 3 दिख रहा है तो 3 में डिवाइड करते हैं तो ये कितना बनेगा आपका, ये 6 बन जाएगा। और इसको भी 3 में डिवाइड करते हैं, 3 में डिवाइड करते हैं तो ये आपका बन जाएगा 15, यानी कि 6/15, ओके। बट फिर भी ये आपको दिख रहा है कि अगेन ये डिवाइड हो सकता है, ठीक है? ये डिवाइड हो सकता है, किसमें हो सकता है? ये हो सकता है आपका फिर 3 में। यहाँ पे 3 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, और नीचे 3 में डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 5, यानी कि ये आपका 2/5 हो सकता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आने में, बट यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे माइनस है तो ये सारे में माइनस हो जाएगा, ठीक है? तो ये सारे में माइनस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा -2/5, ओके। तो इसका HCF क्या है, जो दो चीज में आपने डिवाइड किया इसको, तो उसका मल्टीप्लीकेशन जो करेंगे तो वो उसका HCF बन जाएगा। तो यहाँ 3/3 यानी कि 9, अगर इन दोनों को एक साथ 9 में डिवाइड करते, शुरू में ही 9 में कर देते, तो ये -2/5 हो जाता। सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, -12/18। तो ये आपको इजीली दिख रहा है कि यह आपका 6 का टेबल का है, 6/2 12 होता है और ये 3 होता है। तो इसको अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं दोनों को, तो ये आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये -3 -2/3, तो ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट पेज में। तो आपका नेक्स्ट पेज जो है 181 है, ठीक है, 181 और 182, हाँ 181 है। तो यहाँ पे आपका दूसरा वाला क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -5/7 एंड -3/8। तो इसको सॉल्व करते वक्त आपको ध्यान रखना है, पहले इसके जो डिनोमिनेटर है उसको इक्वल वैल्यूज में लाना है। अगर दो मिड पॉइंट्स के बीच का, मतलब उसका बीच का आपको निकालना है रेशनल नंबर्स, तो पहला उसका रूल है आपका इन दोनों के बीच का निकालने के लिए पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। तो डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए मैंने पहले आपको बताया था, जब कुछ समझ में ना आए तो फिर इसको आपको एक दूसरे में मल्टीप्लाई कर देना है, 7 को 8 के साथ और 8 को 7 के साथ, ठीक है? तो सेम वे 7 के साथ 8 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर के साथ भी 8 मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो रहा है देखते हैं, तो -5/7, ठीक है? तो इसको हम 8 में मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, इसको भी 8 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये -40 और नीचे 56, ओके, नीचे हो जाएगा 56। अब इस तरफ का देखते हैं क्या होता है, तो इस तरफ का आपका होता है 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/7/8/7, ठीक है? तो -21 और 56। यहाँ पे आप देखिए दोनों आपका सेम हो गया डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर -40 और -21 के बीच में,
यानी कि -22, 23, 24, 25, 26, इसके बीच में कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय 56 जो है वो इस दोनों के बीच के रेशनल नंबर्स होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं -33 बाई 56 या -28 बाई 56, ऐसे कुछ भी नंबर्स, आप फाइव रेशनल नंबर्स दिया है, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो -40 और -20 के बीच का हो, 22 से शुरू करके 39 तक, बट माइनस में, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। तो फाइव रेशनल नंबर्स इस तरह से आपको निकालना होता है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और सॉल्यूशंस के साथ। सो टिल देन गुड बाय, और इस चैनल को, इस जो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।